नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 29 इयर्स ओल्ड, एक यंग मैन का पाम है और ये NRI है और ये कतार में रहती है। अभी कतार में ये जॉब करते हैं, लेकिन इनकी जो क्वेश्चन है वो है ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस इनका कैसे रहेगा, आगे चल के इनके फिनांस की हालत कैसे रहेगी। और ये बहुत लॉटरी खरीदते हैं वहाँ पे कतार में, लेकिन इनको कभी मिला नहीं, क्या मिलने की उम्मीद है वो सारे, कुछ अगर साइन वगैरह है कुछ ऐसा तो हम देखेंगे, और आगे चल के फिनांस कैसे रहेगी। और ये किसी पॉलिसी, शायद इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी का रिटर्न ये ईयरली देते हैं, ये रिटर्न नहीं, इनका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो ईयरली देते हैं, तो उसमें क्या ये आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वही तो एक जनरल क्वेश्चन का ही पाम है, जनरली फिनांस से ही जुड़ा हुआ है। तो इस पाम को पहले एक बार देख लेते हैं ओवरऑल, फिर हम लोग चलते हैं इनकी लाइन वगैरह सबकी एनालिसिस के लिए। देखिए ये पाम पूरा पिंकिश ही पाम है, एकदम पूरा पिंक पाम, कहीं से कोई भी कहाँ कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी धब्बा वगैरह कुछ नहीं है, पूरा क्लीन पाम है, एक इतना क्लीन पाम। और यहाँ पे इतनी अच्छी पिंकिश कलर, छोटी से छोटी भी अगर अच्छी साइन हो वो बेहतर रिजल्ट देगा, और बुरी से बुरी हालात हो वो कम ख़राब करेगा। ये है पहला संकेत कि ये पाम बहुत ही अच्छी होगी, और जहाँ जहाँ पे भी फिनांस की अपॉर्चुनिटी आएगी इनकी लाइफ में वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इनको देगी। और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिख रही है जिस लाइन से, ये कलर की वजह से वो इम्पैक्ट थोड़ी सी ही होगी, मतलब उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट इनको फिनंशियली कभी लाइफ में नहीं करेगी। तो ये हमेशा रिच ही रहेंगे, रिच बन के ही रहेंगे, और पैसे के साथ ही इनकी जो ज़िंदगी है वो आसानी से चलती रहेगी। तो एक बार थोड़ा पाम का अभी हम लोग ये देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का पाम है लेकिन चौड़ा भी है, तो ये मेहनती भी होंगे बहुत ज़्यादा और अपनी दिमाग से भी काम ले पाएंगे, तो बहुत ही बैलेंस पाम है। ऐसा बैलेंस पाम ही चाहिए कि थोड़ा रेक्टेंगुलर हो थोड़ा चौड़ा भी हो। तो उसमें क्या होती है कि आप बैठ के भी काम कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिज़िकल मेहनत भी आप खुद ही कर सकते हैं। ये रहा इनका पाम का जो मेन पैटर्न था वो रहा। अभी चलिए इनको थोड़ा फिंगर वगैरह देख लेते हैं। इनके फिंगर में बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, एक तो ये लंबा थंब, बहुत ही लंबा थंब है, इतनी लंबी थंब इनको बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देगी, इनकी बात दुनिया मानेगी, इनमें इतनी पावर होगी कि अगर बहुत बड़ी टफ सिचुएशन में भी आ गए तो भी वहाँ से वो फीडबैक कर पाएंगे, मतलब फिर से वो उठ पाएंगे। तो ज़िंदगी में कभी भी इन्हें किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम होती है तो ये उसमें से उभर ज़रूर लेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। उनकी ये आँख जैसी निशान बनने वाली एकदम क्लियर नहीं है, मैंने और एक पाम में देखा है, ये साइन को मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, उस पाम में एकदम क्लियर था लेकिन इस पाम में भी है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जॉब का निशान बनने के बाद ये जो लाइन वगैरह बन रही है उसके पीछे यहाँ पे थोड़ी चेंजनुमा फॉर्मेशन है। फिर भी ये जितना भी है उससे तो कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और ये उनको फिनांस में बहुत ही अच्छी हेल्प करेगी। तो ये थम का जो पोजीशन है बहुत ही बढ़िया पोजीशन है और बहुत ही अच्छी थम है। जुपिटर की फिंगर सैटर्न की तरफ झुक रही है, एक लंबा थम, दूसरा जुपिटर का फिंगर लंबा है और सैटर्न की तरफ झुक रही है, और तीसरी बात ये छोटी उंगली बाहर की तरफ दिख रही है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाता हूँ, ये अलग सोच रखने के निशानी है, थोड़ी अलग से आप सोच रखेंगे, सबके सामने सब कुछ नहीं बोलेंगे, कहाँ पे क्या बोलना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से आती है और आप वहीं बोलती हैं। दूसरा ये लंबा और झुका हुआ थंब आपको लीडरशिप क्वालिटी दर्शाता है, आप में थोड़ी बहुत धार्मिक भावना भी है, आप थोड़ी धर्म के प्रति निष्ठावान भी है, और ये दिखाता है कि आप जो बोलेंगे दुनिया उसको मानेगी। मुझे ये आसानी से पता चल रहा है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप जॉब का नेचर है, मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी आपका बात मानते हैं, आपको थोड़ी लीडर की तरह देखते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं वो सारे आपको मानते हैं और आपको नेता की तरह देखते हैं, आपका ऑर्डर का जो मतलब आप जो ऑर्डर देंगे उसे एग्जीक्यूशन करने में वो जो आपके नीचे का एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। मतलब कुछ मैनेजर का काम होता है ना,
मैनेजर अगर ऑर्डर दे तो उनके नीचे जो काम करने वाले होते हैं गाली देके काम शुरू करते हैं और गाली देते देते ही ख़त्म करते हैं। और कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जब वो अपने जूनियर एम्प्लॉय को बोलते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं कि सर ने मुझे काम दिया है, चलो इसको पहले और अच्छी तरह से कम्प्लीट करें। आप एक दूसरी किस्म के इंसान में से होंगे जो बहुत ही अच्छी तरह से पेश आएंगे होंगे अपने जूनियर एम्प्लॉय के साथ, तो बहुत ही आसानी से आपके काम सारे कंप्लीट करते होंगे। ये एक लीडरशिप, अच्छी लीडर की क्वालिटी है जो आप में बहुत ही अच्छी तरह से है। तो आगे चल के ज़िंदगी में कभी पॉलिटिक्स में आने का ध्यान हो, इच्छा हो, तो ज़रूर आइएगा, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी एक लीडर की हैसियत से। तो ये रहा आपका जो फिंगर का एनालिसिस था वो मैंने किया। अभी चलते हैं आपका माउंट वगैरह में। आपका मारकड़ी माउंट ठीक ठाक है, मोटा मोटी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाला है, नहीं कुछ पॉलेमेटिक है, एक लाइन खड़ी दिख रही है बस यही है। तो लिक्विड मनी की फ्लो थोड़ी आप में कम रहेगी और आपके लिए जो पैसा और ये है जो आप अपार धन संपत्ति के मालिक बनेंगे वो ज़्यादातर मैक्सिमम ही आप डिपॉजिट करके बनाएंगे या कुछ एसेट वगैरह खरीद के बनाएंगे। लिक्विड मनी आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी अभी के हालात में, बाद में अगर ये लाइन बड़ी हो जाए और इसके साथ और दो तीन लाइन आ जाए उसके बाद अलग है, लेकिन अभी के हालात में यही हो रहा है। सन का माउंट थोड़ी डाउन है, एक तो ये ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ना ऐसे 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 जा रही है, ये अगर ऐसे फॉलिंग डिस्टर्बिंग लाइन हो तो आपके माउंट का थोड़ी हालत ख़राब करती है। तो ये सन माउंट की इस हालत की वजह से क्या होगी, आपको आप अगर रिस्क लेंगे कुछ ज़्यादा रिस्क किसी चीज़ में तो आपको वहाँ पे नुकसान ज़रूर होगा। आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले किसी भी तरह की, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ट्रेडिंग के लिए या लॉटरी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे के कभी भी मत खरीदिएगा जिसमें आपका फिनेंशियल इम्पैक्ट आ जाए, तो उसमें आपकी लॉस होने के चांसेस होगी बहुत ज़्यादा। ये क्रॉस नहीं बना रही है लेकिन बना सकती थी, ये क्रॉस अगर बनाती तो और ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती और आपकी हालत और थोड़ी ख़राब होती, आपकी नाम में भी ख़राबी आती, मतलब जो फेम है आपकी जो जहाँ पे आप काम करते हैं उस नाम में भी थोड़ी कमी आती। लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, मैंने दूसरे पाम में भी देखा है, ये इसी के लाइन के ऊपर आके ये जो डिस्टर्बिंग लाइन है टेशल लाइन बोलते हैं इसको, टेशल कहते हैं, टेशल की तरह निकलती है। तो ये सन माउंट में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया है। सैटर्न माउंट ठीक ठाक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। सैटर्न के यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों, एक दो और ये तीन, ये सारे के सारे लाइन सन की तरफ दिख रही है, तो ये इंडिकेशन करती है कि आप फॉरेन ज़रूर जाएंगे और आप फॉरेन में ही है, काम के लिए गए हैं और फॉरेन में ही है। आपकी जुपिटर माउंट ठीक ठाक है लेकिन उभार ये यहाँ पे है, तो ये थोड़ी फैमिली में टेंशन देगी और फैमिली में मतलब रिलेटिव के साथ आपकी थोड़ी बहुत झगड़ा वगैरह होता रहेगा। आपका दो तीन बार ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में धोखा मिले, क्योंकि आपके अभी 29 इयर्स एज है, एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिखा और दो तीन डाउनफॉल लाइन हार्ट लाइन से निकल रही है, तो प्यार में हार्ट ब्रेक का चांस है आपके हाथ में, तो वो होगी एक दो बार ज़रूर होगी आपके साथ, दिल दुखेगा फिर संभलेगा और ऐसे ही चलेगा। जुपिटर में एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर साइन है, ये स्क्वायर साइन दर्शाता है कि आप बहुत ही अच्छे टीचर होंगे, अगर किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे आप तो जो आपका स्टूडेंट होगा या आपका जूनियर एम्प्लॉय कोई भी किसी को भी आप कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें सिखा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर टीचरशिप क्वालिटी बहुत ही बढ़िया और अच्छी है, तो आप बहुत ही अच्छी लीडर होंगे जो आगे चल के जो भी कुछ किसी भी काम करें वहाँ पे तो लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है, बिज़नेस करें जॉब करें या कुछ भी करें। तो आपके जो नीचे का जो एम्प्लॉइज़ होगा या फिर आप अगर पॉलिटिक्स में जाए तो संगठन में जो आपकी जूनियर कोऑर्डिनेट हो गए सबऑर्डिनेट होंगे उन सभी को आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे और आप जो भी सिखाएंगे वो लोग अच्छी तरह से सीख पाएंगे, क्योंकि आपके सिखाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपकी मार्क्स ठीक है, छोटी जगह है लेकिन उभार लिए हुए हैं इसलिए ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसमें नहीं है क्योंकि इनको छोटी जगह मिली है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई है क्योंकि ये लाइफ लाइन यहाँ से नीचे की तरफ झुक रही थी, तो इसकी वजह से इसकी जगह जो मिला है इसको छोटी मिली है और वेनस माउंट बहुत पावरफुल हो के इसको कवर कर रही है, तो यहाँ से भी ये मार्स को दबा रही है, तो मार्स को थोड़ी ज़्यादा जगह नहीं मिल पाई और इसलिए माउंट उभर ले लिए है, क्योंकि ये नॉर्मल पैटर्न में है तो उभर अगर नहीं लेते तो ये डाउन होता,
तो ये उभर लिए हुए हैं, तो ये ठीक ठाक है। वेनस आपका बहुत ही अच्छी वेनस माउंट है, और यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी लाइन है। आप बहुत ही लग्जरी से यार लाइफ जीने वाले हैं और जी रहे होंगे शायद, तो आपकी लग्जरी तो आपकी लाइफ में ओवरऑल दिख रही है बहुत ही अच्छी। आप बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएंगे ज़िंदगी में, वो कंफर्म है। आपकी मून माउंट भी ठीक ठाक है, मून माउंट से एक फिथ लाइन का एक ऐसे निकल के ये सीधा गया, ये एक कंडीशन हुआ आपका फॉरेन लाइन जाने के लिए। दूसरा आपका लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकल के मून की तरफ जा रही है, ये भी इंडिकेशन करती है कि आपको फॉरेन लाइन के साथ कनेक्शन होगा। और तीसरी कनेक्शन जो चाहिए होती है फिथ लाइन आखिर में जाके सन की तरफ देखे या सन की तरफ चली जाए, वो सारे ये तीनों इंडिकेशन हम लोग को मिल गया, इसलिए आप फॉरेन में हैं और फॉरेन कनेक्शन आपकी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रही है। आपकी ये जो लाइन है ये ट्रैवल लाइन है, ट्रैवल दर्शाता है, तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, पैसे इनकम करने के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट है ये, किसी काम में आपको ज़्यादा ना ही नफ़ा ना ही ज़्यादा मतलब ना ही प्रॉफिट करवाएगी ट्रैवल में, ना ही नुकसान, ये नॉर्मल रहेगा, जैसे काम के लिए जा रहा है वैसे ही इम्पैक्ट देगा आपकी। अभी चलते हैं डिफेंस मार्च, डिफेंस मार्च भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन लिटिगेशन लाइन नहीं है, ये एक ब्रांच लाइन है माइंड लाइन का, जो ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लाइन। फ्लोटिंग लाइन अगर हो हाथ में तो एम्बिशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, और एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए बहुत हद तक काम करते हैं। अगर माइंड लाइन के ऊपर ऐसे सीधा सीधी लाइन हो, हर माइंड लाइन को टच करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको फ्लोटिंग लाइन कहा जाता है। और फ्लोटिंग लाइन हो तो एम्बिशन बहुत ही अच्छी होती है उन लोगों की, और एम्बिशन फुलफिल करने के लिए बहुत ही हद तक अपने आप को मेहनत भी करवाते हैं और करते हैं। ये सिमिलर वैसे ही है जो यहाँ से जैसे माइंड लाइन से एक लाइन निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है, और वो भी एम्बिशन लाइन है, वो इसी तरह का कि एक और एम्बिशन लाइन हम लोग को मिलती है माइंड लाइन के ऊपर होती है, ये स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन। तो आपका एम्बिशन बहुत ही अच्छी है, और एम्बिशन का फुलफिल करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से लड़ भी पाएंगे। आपकी एज अभी 29 ईयर्स है, 29 ईयर्स एज आपकी करीब करीब यहाँ पे आ रही है। तो ये जो चल रही है आपकी पीरियड, बहुत ही अच्छी पीरियड चल रही है, बहुत ही अच्छी पीरियड चल रही है, और ये चल रहा है करीब करीब आपकी 39-40 तक। तो 39-40 तक तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, 39-40 में 40 तक आपका करीब करीब ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, और वो बहुत ही सारे ड्रीम आप फुलफ़िल कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में। और करीब करीब आपकी 34-35 में यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही है, और ये दो हिस्सों में बट गया है ये फिथ लाइन। तो अगर बिजनेस करना है तो उस टाइम शुरू कीजिए, अभी मत शुरू कीजिए आप, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने का मौका है। आप जॉब में जो जहाँ से पैसे इनकम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी फ्लो में आ रही है, और इसे कंटिन्यू कीजिए, इसे अभी मत छोड़िए, ये बहुत ही देगा आपको। अभी भी 6-7 साल आप ज़रूर वहाँ पर रहिए और बहुत सारा पैसे कमाइए। हाँ, अगर वहाँ पे बिज़नेस का कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर कीजिए, वहाँ पे वहाँ को छोड़ के अपनी कंट्री में वापस आके बिज़नेस के बारे में अभी मत सोचिए, उसके लिए बहुत देर है, मिनिमम 6-7 साल, उसके बाद आप आके करिए तो ठीक है। और अगर वहाँ पे बिज़नेस करना है तो ज़रूर कीजिएगा अभी, क्योंकि आपकी वहाँ पे करेंगे तो आपको जगह छोड़नी नहीं पड़ेगी, नौकरी भी शायद नहीं छोड़नी पड़ेगी। और ये जो लाइन बहुत ही अच्छी फिथ लाइन अभी भी चल रही है आपकी, और वो आगे भी चलेगा करीब करीब 6-7 साल, उस टाइम पीरियड तक आप बहुत पैसे कमा पाएंगे, बिजनेस में हो या जॉब में हो, किसी से भी आप करेंगे फॉरेन लैंड से आपको बहुत ही अच्छा पैसे इस टाइम तक आता रहेगा। उसके बाद आपका क्या हुआ, फिथ लाइन दोनों लाइन में थोड़ी बहुत डिवाइडेड हो गई, और ये माइंड लाइन में आके मिल रही है करीब करीब 39-40 की एज तक ये मिल रही है यहाँ पे। आप तब तक आप मोटा मोटी कुछ कर रहे होंगे या कुछ कमा रहे होंगे, इतना ज़्यादा अच्छा फ्लो तब नहीं रहेगा शायद, अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तब साथ साथ तो अलग बात है, लेकिन अगर एक की प्रोफेशन है उसके बाद आपका, तो शायद इतनी फ्लो नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर का जो माइंड फिथ लाइन है ये थोड़ी हल्की है इस पीरियड तक थोड़ी हल्की है। तो इस टाइम पीरियड में आपका फ्लो तो आता रहेगा, इन पैसे भी इनकम होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोनों दो तरीके से इनकम कर रही हैं आप, दोनों प्रोफेशन से इनकम कर रही है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक प्रोफेशन हो उस टाइम पीरियड में तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपकी ज़िंदगी में। क्यों, एक राहु लाइन ऐसे कट कर जा रही है, और उस टाइम पीरियड में आफ्टर 40 टू 42
40 to 40, मतलब ये 2-3 साल 40 के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई फेथ लाइन, एक्टिव फेथ लाइन हमें नहीं दिख रही है। ये आके माइंड लाइन में ख़त्म हो गया और 1-2 साल के गैप के बाद ही एक और लाइन निकल रही है और उसके साथ और एक लाइन निकल रही है। तो 1-2 साल आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये 1-2 साल माइंड लाइन और फेथ लाइन का मर्ज हुआ हुआ है। तो बिज़नेस करेंगे तो उस टाइम पीरियड में बहुत ही संभाल के काम कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाम ऐसे भी एनालिसिस करके रखे हैं, ऐसे ही मार्च किया हुआ जगह पे, कि जहाँ पे इंसान करोड़पति से एकदम फ़कीर बन गया है। तो वैसा अगर बिज़नेस कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से रखिए बिज़नेस कीजिएगा और ज़्यादा कोई रिस्क मत लीजिएगा। और ये फेथ लाइन यहाँ से निकला, एक और फेथ लाइन यहाँ से निकला और ये सीधा माइंड लाइन, हार्ट लाइन में आके मार्ज होके इस तरह से जुपिटर की तरफ चले गए। ये मार्ज होके जा रही है, ये माइंड लाइन, ये जो यहाँ का लाइन का पैटर्न है, इसे देख कर ही आप समझेंगे कि ये ज़्यादा डार्क है इस एरिया से या इस एरिया से। इससे यही हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि ये फेथ लाइन यहाँ पर आके मार्ज हो गया और दोनों एक साथ इस तरह से जुपिटर की माउंट की तरफ चले गए। तो ये पोजिशन उसके बाद बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए, मतलब ये अगर देख ले 39 to 42, ये 3 साल अगर छोड़ दे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी मेनली 2 प्रोफेशन फिर से चालू होगी। यहाँ पे तो हम लोगों को 2 प्रोफेशन का एक इंडिकेशन मिल गया, शायद आप 2 ही प्रोफेशन करेंगे उसके बाद, शायद 2 बिज़नेस हो सकती है, जॉब प्लस बिजनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 प्रोफेशन आपके हाथ में रहेंगे और वो दोनों प्रोफेशन थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी 39 से 42 के उस टाइम पीरियड में। और उसके बाद आपका फेथ लाइन फिर से चल रहा है और एक फेथ लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से जुपिटर की तरफ जा रही है हार्ट लाइन से मार्च होके। तो ये दर्शाता है कि आपके उसके बाद 42 के बाद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से अच्छी तरह से पैसे इनकम करेंगे और जुपिटर की तरफ जाती हुई फेथ लाइन बहुत ही फिनेंशियल प्रोस्पेक्टस देती है, बहुत ही अच्छा फिनेंशियल बेनिफिट देती है, वो भी आपकी देगा, मतलब जितनी भी आपकी औका, मतलब वो क्या बोलूँ मैं, जितनी भी आपकी क्वालिटी नहीं है उससे ज़्यादा देती है। मेरी एक जान पहचान का है जो शायद 5-6 हज़ार सैलरी पाने के भी लायक नहीं है, लेकिन वो कॉरपोरेट में काम करते हैं, मैट्रिक पास भी नहीं है, समझे, मैट्रिक पास भी नहीं है और वो काम करते हैं कॉरपोरेट में और सैलरी पाते हैं करीब 40 to 45 thousand ड्रॉ करती है इंडिया में, कलकत्ता में, जहाँ पे बड़े बड़े MBA भी नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ से 40-45 इनकम करती है। पूरा पूरी सैलरी नहीं है, उतना सैलरी उनके नहीं है, कमीशन वगैरह बहुत कुछ है, वो सारे मिला के वो 40 से 45 हज़ार कमाते हैं महीने में, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है ऐसा साइन, सिर्फ एक बहुत ही बढ़िया फेथ लाइन सीधी निकल के जुपिटर की मून की तरफ चला गया। तो ऐसा भी आपके साथ भी होगा, लेकिन वो ये लाइन एक्टिव लेट होगा 42 के बाद, उस टाइम पीरियड में ज़रूर आप, आपकी जो क्वालिटी है उससे बहुत ही ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। ये रहा आपका फेथ लाइन का जो एनालिसिस था वो हम लोगों ने किया है। अभी चलिए थोड़ा आपका माइंड लाइन को देखते हैं, आप बिज़नेस की बात बोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऐसे एक लाइन खींचना पड़ेगा और देख लेना पड़ेगा कि इसका टर्मिनेशन कहाँ पे, एकदम वहीं पे टर्मिनेशन है जहाँ पे लोग कन्फ्यूजन के नेचर में आते हैं लोग। यहाँ पे अगर माइंड लाइन टर्मिनेशन हो तो मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पे अगर टर्मिनेशन हो तो इंसान क्या करेंगे सोचने में उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जॉब करे बिज़नेस करे, बिज़नेस जॉब या बिज़नेस दोनों करे, दो बिज़नेस करे, इसी ये कन्फ्यूजन में ये थोड़ी बहुत टाइम अपनी नष्ट ज़रूर करते हैं ज़िंदगी के। तो आप में भी वो कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या करे, जॉब करे बिज़नेस करे क्या करे, आप आखिर में सभी करेंगे, जॉब भी करेंगे ज़िंदगी में, बिज़नेस भी करेंगे, एक साथ दो दो तीन तीन प्रोफेशन भी होगी आपकी, ये सारे ये माइंड लाइन दर्शाता है। अभी माइंड लाइन का क्वालिटी क्या है, माइंड लाइन का क्वालिटी आपकी बहुत ही बढ़िया है। तो कन्फ्यूजन के बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे और जो भी आपकी, मतलब जो डिसीजन निकाल लेंगे आप, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, क्योंकि माइंड लाइन में कोई डिस्टर्ब नहीं है, कहीं पे कोई कोन बना के नहीं चल रहा है ऐसा कि उस टाइम पीरियड में आपका नुकसान हो जाए, या फिर ये मून की तरफ झुक तो रही है लेकिन बहुत ही खामोशी से और धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं बना के ये झुक रही है लेकिन मून की तरफ गया नहीं, उतनी ज़्यादा मून की तरफ गया नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, आप जॉब और बिज़नेस दोनों ही कर सकते हैं, आपके माइंड लाइन में ये पावर है, आप सिर्फ जॉब भी कर सकते हैं, सिर्फ बिज़नेस भी कर सकते हैं, आपके लिए सारे के सारे लाइन खुला रहेंगे, ये माइंड लाइन वालों के ऐसे ही रहती है।
तो ये रहा आपका माइनलाइन का और वगैरह सब कुछ एनालिसिस। देखिए आपने और कुछ सवाल पूछे, लॉटरी। देखिए लॉटरी जो होती है, मेरी राय में अगर किसी के मार्स से कोई लाइन कनेक्ट हो जाए सन की तरफ तो, या फिर सैटर्न की तरफ, तो ये दो इंडिकेशन करती है कि सडन मनी गेन, ये करती है, एज नहीं बताती है। लेकिन ऐसा अगर इंडिकेशन हो, मेरी राय में, एक एक की एक एक राय होती है, एक एक पामिस्ट की, मेरी राय अगर ऐसी कोई लाइन दिखे हाथ में या ऐसी कोई इंडिकेशन मिले तो वो लोग को लॉटरी मिलती है। लॉटरी सिर्फ नहीं, अनएक्सपेक्टेड कोई एसेट भी मिल जाता है, कोई नाम कर जाता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई कहीं से पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारे जो गेन होते हैं वो मार्स से सन की कनेक्शन की वजह से होती है। लेकिन आप की हाथ में यहाँ पे तो लाइन तो आ रही है, लेकिन ये थोड़ा अभी आते आते पूरा मार्स तक नहीं आया। अगर मार्स की तरफ ये लाइन आता है तो शायद एक कनेक्शन बनाए और आपको लॉटरी दे पाए। लॉटरी की इतनी ज़्यादा अहमियत रखी मत रखिए ज़िंदगी में कि वो आपकी प्रेडिक्शन के क्वेश्चन में आ जाए, वो उसको छोड़ ही दीजिए। आपके हाथ में ऐसे ही खुद का इनकम का बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारे पैसे भी इनकम करेंगे आप ज़िंदगी में, आपकी पाम से तो ये झलक ही रहा है, और इसलिए उसमें ज़्यादा मत देखिए। अपना जो बिज़नेस और जॉब जो दोनों हैं, दोनों का चांसेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में, वो ज़रूर कीजिए। एक साथ दो दो प्रोफेशन हैं आपके, आप उसे कीजिए। पैसे आपके हाथ में ऐसे ही आते रहेंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 39 से 42 ये 3 साल आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फिनांस के मामले में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाथ में कहीं पर भी कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। अभी आपका गोल्डन पीरियड चल रही है, तो गोल्डन पीरियड में क्या करते हैं लोग, पैसे कमाते हैं और लुटाते रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमना, बहुत सारी अय्याशी करना, और पैसे सारे उड़ा देते हैं। और जब टफ टाइम आती है तब उनके हाथ में, जब उनकी इनकम थोड़ी कम हो जाती है, तो वो लाइफस्टाइल जी नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उधार वगैरह करते हैं। और जब ख़राब टाइम आती है इस टाइम पीरियड में, वो एकदम टूट के बिखर जाते हैं। ऐसा ज़िंदगी में मत कीजिएगा। आपका करना क्या चाहिए, जब आपका गोल्डन पीरियड चल रही हो तब बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं और सिर्फ पैसे कमाएं, उसे सेव करें। जब थोड़ी ख़राब टाइम आ रही है तो उसमें पैसे कम, मतलब जो पैसे कमा रहे हैं उससे सेविंग्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पिछले कुछ सेविंग्स है बहुत अच्छी, अपनी सेव कर रखी है अच्छे टाइम में, वो सारे उस टाइम पीरियड में जब मोटा मोटी टाइम चल रहा है तब जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसी को खर्चा कर रहे हैं। और जब वो 3 साल का आपका टफ टाइम पीरियड आएगा 39 से 42, तब ये सेविंग्स आपकी काम में आएगी, यहाँ पे आपको खर्चा करने के लिए। तब आप क्या, वो टाइम पीरियड बीत जाएगा ये जो सेविंग्स करके रखे हैं आप उसकी पैसे से, और आपकी वो टफ़ टाइम टफ नहीं रहेगा, इजी रहेगा। इसी तरह से अगर हम ज़िंदगी को लीड कर सकें तो ज़िंदगी में टफ़ पीरियड हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं दे पाएगी। और उसके बाद तो आपका फिर से फिथ लाइन स्टार्ट हो गया, एक दो बिज़नेस करेंगे, दो काम करेंगे, उसमें बहुत अच्छी पैसा आएगा और वो चलता रहेगा। फिर तो आपकी ज़िंदगी में और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक छोटा छोटा दो धन रेखा भी है जो सन की तरफ दिख रही है, तो बाहर से भी आपको पैसा आएगा, आप बिज़नेस भी उस टाइम में पीरियड में कर सकेंगे अच्छी तरह से। तो शायद मैं आपको समझा पाया कि क्या है आपकी आगे का फिनांस का ये जो है सारे। और वो एक जो बोल रहे हैं कि ना कि ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं अभी तो कुछ नहीं आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगी तो आपकी ज़िंदगी में सारे के सारे जो भी आएगी 39-42 के बीच, उस टाइम के पहले आपकी ज़िंदगी में फिनांस से जुड़ी हुई कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। लाइफ लाइन भी आपकी ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ी मोटापन है, ये भी करीब करीब 32-35 के बीच होगी, तो वहाँ पे थोड़ी हेल्थ की इशू रह सकती है क्योंकि एक दो राहु लाइन वहाँ पे कट रही है। तो 32 से 35 तक हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी आपका एज 29 है तो अभी उस पीरियड में आप आए नहीं, उस टाइम पीरियड में ये जो लाइफ लाइन है थोड़ा ज़्यादा डार्क है और मोटा है, तो वहाँ पे थोड़ी जो हेल्थ का इशू हो सकती है। और राहु लाइन की भी 2 बार है उस टाइम पीरियड में, तो हेल्थ का उस टाइम पीरियड में ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद लाइफलाइन फिर से ठीक ठाक चल रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो टफ पीरियड 2-3 साल की गुजरने के बाद आपकी ज़िंदगी फिर से ठीक ठाक चलेगी हेल्थ के मामले में। तो ये रहा आपका पूरा पाम एनालिसिस, हम लोगों ने कर लिया और कुछ ज़्यादा कवर करने के लिए नहीं है। फिनांस आपकी ठीक ठाक रहेगी, ठीक ठाक चलेगी, कोई ज़्यादा ये सोचने की बात नहीं है।
तो रखते हैं इस पाम का एनालिसिस, आगे और एक पाम लेके आएंगे बहुत ही जल्द, आप देखते रहिएगा मेरे चैनल। शुक्रिया आप लोगों का।